हफ्ते जब मैंने यहाँ पे तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी। जी जी आपको हिस्ट्री जरूर पता होनी चाहिए, जब तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी थी तो ये शख्स जिसका नाम अकरम चौधरी है ये सब मेरे साथ यहाँ पर मौजूद था। पाकिस्तान का मतलब क्या, मेरा मेरा रिश्ता क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इयाका नाबुदु व इयाका नस्ताईन। बहुत शॉर्ट तकरीर करूंगा, मैं अभी 3 तारीख को पाकिस्तान से आया हूँ। हमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी कौम से खौफ खत्म करना होगा। कौम इमरान के साथ पहले से भी ज्यादा है, यकीन करें खौफ इतना। मैं और मेरे दोस्त ये राजा साहब हम दिल्ली इमरान खान के घर जाते थे और लोग हमें डराते थे। और खुदा के लिए और इस वक्त इमरान खान के घर जा रहे हो, कोई हमें छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। हमने ऊपर रेंट की, हमने कहा हम हर रिस्क लेके इंशाल्लाह उतर जाएंगे और हम जाते थे। और एक दिन हम 5 घंटे खान साहब के घर भी बैठ के जुमेरात को आए हैं। क्यों? इसलिए गया था कि यार ये जो मेरे पाकिस्तानी लोग हैं, खुदा के लिए आप पाकिस्तान फोन करें और लोगों को कहें बाहर निकलो और जाके रैलियां निकालो। कल हमने फैसलाबाद में रैली निकलवाई है, आज इंशाल्लाह सब दोस्त पाकिस्तान में इस वक्त रैली निकाल रहे हैं। सब लोग एक आखिरी, अब सब लोग अपने अपने इलाकों में प्लीज फोन करके जो जो लोग बेचारे जेलों में है उनके घर खर्चा पहुंचाएं, उनके लिए कुछ पैसे उनके घरों में भेजे ताकि उनको ये पता हो कि पीटीआई ने हमें अकेला नहीं छोड़ा जब हम जेल में थे। प्लीज एवरीबॉडी आई रिक्वेस्ट, अपने अपने इलाकों में जो जो बंदे बेचारे जेलों में है उनके घरों में जाएं और उनकी हेल्प करें। जज़ाकअल्लाह खैर, थैंक यू। इमरान तेरे जाने से ये बात हुई है। अब हमारे पास सेकंड लास्ट मुकर्रर जो है शहबाज गिल से पहले इस